रतलाम विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार सुखबीर कटारिया ने आखिरी दिन अपना नामांकन भर दिया है। इस अवसर पर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी मौजूद रहे। नामांकन भरने पहुंचे सुखबीर कटारिया बेरोजगारी और विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। सुखबीर कटारिया ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी 75 पार का नारा तो दे रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। तो मुद्दे हमारे यहाँ रोजगार के हैं, पॉल्यूशन के हैं, डेवलपमेंट के हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है मेट्रो रेल का। जो 154 वादे करके आए थे कि उन्होंने कहा था कि भाई हम मेट्रो को ओल्ड गुड़गांव से जोड़ेंगे, रैपिड मेट्रो को भी जोड़ेंगे। आज वो टाटा फिक्स हो गया और इस जुमले में बदल गया। एक जो खट्टर साहब ने 2 मार्क्स से जो गुड़गांव कम रखा था कि स्मार्ट सिटी नहीं बन पा रहे, तो 2 मार्क्स कम ऊपर लेके आएंगे और आने वाले समय में जब हुड्डा साहब यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे तो गुड़गांव को स्मार्ट सिटी जरूर बनाएंगे। बीजेपी का नया चेहरा है सुधीर सिंगला, क्या कहेंगे, कैसा मुकाबला होने वाला है? देखो मुकाबला अच्छा है, और मुकाबला तो जाखड़ साहब ने पहले बता दिया कि जो आम आदमी में एक एक आंसू निकल रहे हैं, उनकी खून के आंसू निकल रहे हैं। आज हर आदमी परेशान है, कर्मचारी क्या, व्यापारी क्या, अपने युवा साथी क्या, निश्चित रूप से आप देखना कि वो चेंज चाहते हैं और मेरे हिसाब से चेंज होगा। वहीं बीजेपी द्वारा धारा 370 और 75 पार के मुद्दे पर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा है कि हाईवे पर इसकी चर्चा तो जरूर होती है, लेकिन लोग कहते हैं कि आज प्याज पेट्रोल और रुपया जरूर 75 के पार हो गया है। मैं समझता हूँ ये जो आपने एक दुखती रग के ऊपर हाथ रखा है, 75 पार जो नारे लगे, आम आदमी व्यक्ति अगर हाईवे पे चलते हुए अगर बात कर ले तो वो ये कहेंगे कि प्याज 75 पार, पेट्रोल 75 पार और रुपया जो है वो 75 से भी ज्यादा गिरने को तैयार हो रहा है। आज 75 पार के मायने लोग जो लगाए बैठे हैं वो वास्तविकता है। खट्टर साहब के दिल में 75 पार कुछ और होगा, लोगों के मन के बात वोट लोगों ने डालना है। खट्टर साहब का भी एक वोट है और सुखबीर जी का भी एक वोट है, इनके मानने और ना मानने से भी लोग क्या मानते हैं, लोग मानते हैं कि देश का बेड़ा गर्क करने के लिए बीजेपी तुली हुई है, रामादाय। देखिए वो किसको उतारते हैं नहीं उतारते, क्योंकि उनके पास आज सिर्फ चेहरा नहीं है, उनके पास मुखौटा है। ये जो लड़ाई है ये को सिर्फ गुड़गांव के 4 सीटों तक नहीं, ये को सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं, ये एक बड़ा सांकेतिक विचारधारा की लड़ाई है, झूठ और सच की लड़ाई है। आज देश को जिस तरह से झूठ बोल के और संवेदनशील मुद्दों को भड़का के असल ध्यान भटका के लोगों का, जो देश के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, देश की अर्थव्यवस्था जब चरमराई हुई है, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आज बीजेपी की सरकार, मैं समझता हूँ उस बात में सफल हुई आज से 4 महीने पहले। आज उसके ऊपर से मुखौटा उतारने का समय, नए चेहरे उतार लें, पुराने चेहरे उतार लें, आज बात सच और झूठ की। चुनावी मैदान में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है, लेकिन किसी के दावे कितने मजबूत थे और कौन सी सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी, इसका फैसला तो 24 अक्टूबर को ही हो जाएगा। न्यूज डेस्क।